हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ठीक हो? ठीक हो। उसको छोड़ना मत। सर, आप ठीक हैं? पकड़ो उसको। ठीक हूँ। एक आदमी आया इधर से भाग के और धक्का मार के इधर भगा। कहाँ पे? हाँ इधर इधर। यहाँ? उठ जा। लगता है भाग गया। जा, टॉर्च दीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? मर गया सर। मर गया? आदमी गया कहाँ? ये कौन जा रहा बाइक पे? ए! अबे रुक! ओह नो! निकल गया। सर ये अमित है, प्रोफेशनल चोर, डकैती में लंबा रिकॉर्ड है इसका। अमित, अमित, इस अमित का जरूर कनेक्शन है सूरज मनीष और देवी के खून के साथ। किसके लिए काम कर रहा था कुछ पता चला? सर जितने भी फोन कॉल थे वो सब प्राइवेट नंबर से थे सर, इट्स अनट्रेसेबल। जिसके लिए भी काम कर रहा था सर वो आदमी 100% वही था उसी ट्रेन में, और सर सब कुछ देख के सुपरवाइज कर रहा था। और सर जब ये अमित पकड़ा गया तो इसके मुंह खोलने से पहले ही इसे गोली मार दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब अभिजीत वॉशरूम में गया तो उसी वक्त सामने वाले वॉशरूम में से ये अमित बाहर आया। कर क्या रहा था वो वहां उसी वक्त? सर यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, उस अमित को कैसे मालूम था कि मैं उसी टाइम वॉशरूम जाऊंगा ही जाऊंगा, जैसे जैसे उसी ने मुझे मजबूर किया हो। मजबूर नहीं अभिजीत, शायद प्लान किया हो। कोई किसी के वॉशरूम जाने की प्लानिंग कैसे कर सकता है सर? मतलब मैं कब वॉशरूम जाऊं ये तो मेरे कंट्रोल में है ना सर। अरे यार कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा था, ऐसी इमरजेंसी थी कि पूछो मत, पता नहीं क्यों। एक तरीका है अभिजीत,
एक तरीका है पता लगाने का। डोज अगर जरा सी भी ज्यादा होती ना, किडनी ब्लास्ट हो सकती थी। सही में पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन मेरे ब्लड रिपोर्ट में निकला क्या ये मुझे भी तो बताइए यार। सालुंखे अभिजीत को कुछ दिया गया था ना, तो बताना क्या है वो। डाययूरेटिक दिया गया था, वो भी बहुत ज्यादा हैवी डोज। डाययूरेटिक बस, डाययूरेटिक तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शरीर में से पानी और दूसरे फ्लूइड्स को फ्लश आउट करने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर इसका हैवी डोज दिया जाए तो ब्लैडर पे इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना कि इमीडिएटली फ्लूइड रिलीज करने की फीलिंग होती है, जैसा कि तुमको हो रही थी। तभी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन अमित को कैसे पता चला कि आपको उसी टाइम पे वॉशरूम जाना है? अंदाजा, अमित ने अंदाजा लगाया हुआ। जिस मात्रा में इसे ये डोज दी गई है, 15 से 20 मिनट सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा बस, उसके बाद कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आदमी वॉशरूम जाएगा ही जाएगा। हाँ, अमित जानता था कि कब डाययूरेटिक दिया है तुम्हें, और इसीलिए वो इंतजार करते बैठा था वॉशरूम में। हाँ, लेकिन वो डाययूरेटिक मेरे बॉडी में गया कैसे होगा, कब? अभिजीत, वॉशरूम जाने से पहले तुमने कुछ पिया था, कुछ खाया था? मैंने वो एक चाय पी थी। और एक समोसा। सर, ये किंचुक है जो रेलवे कैंटीन में 3 साल से काम कर रहा है, और ये हेमंत 4 साल से। जब हम उस चोर का पीछा कर रहे थे तब पैंट्री में ये किंचुक गिरा पड़ा था। हो सकता है वो किंचुक ही है। पहले उसने लाइट ऑफ की, चेन खींच के ट्रेन रोकी, अंधेरे में अमित को गोली मारी। ये कौन है, कौन है? रुक! और जानबूझ के पेंट्री में सामान गिराया, और हमसे बोला कि खूनी उस तरफ से भागा है। और तो और अभिजीत, तुम्हारे चाय और समोसे में इसी किंचू ने डाययूरेटिक भी मिलाया था। लेकिन सर, हमने ट्रेन के बाहर देखा तो था किसी को भागते हुए। अगर अमित को गोली मार के किंचुक वहां पेंट्री में बैठा था, तो फिर जो आदमी बाइक पर भागा वो कौन था? चोर। चोर? पर चोर तो अमित है ना, जो मर गया। नहीं दया, मुझे अच्छे से याद है, अमित ने मुझे लूटने की कोशिश की ही नहीं थी। क्या? हाँ सर, वो तो मुझे सिर्फ ट्रेन से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों सर, धक्का तो उसे चोरी करने के बाद मारना चाहिए था ना, बिना हीरा चोरा आपको धक्का क्यों मारा? क्योंकि पंकज, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के बाहर होने वाली थी। यस सर, आई एम श्योर पिछले तीनों केसेस में यही हुआ होगा। अंगड़ियों को ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, जहां कोई उनका इंतजार कर रहा था, और उसके बाद हीरे लूटे गए, उनके मरने के बाद या फिर मारने के बाद। उन तीनों अंगड़ियों की बॉडी कौन से एरिया में मिली, जरा चेक करते हैं। ओ, मैप लेके आना। सर, ये ट्रेन का रूट है, और सारे अटैक्स इसी एरिया में हुए थे। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में से। आ गया। और अमित जिसके लिए काम कर रहा था, वो आदमी 2 किलोमीटर में अंगड़िया के गिरने का इंतजार कर रहा था। सर, जहां मनीष की लाश मिली वहां 2 विटनेसेस भी थे। सर, उन्होंने मनीष को ट्रेन से गिरते हुए भी देखा था, शायद उन्होंने चोर को भी देखा। हो
विश्वास का कुछ पता चला? नहीं यार, अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तूने तो कहा था तूने उससे ब्रेकअप कर लिया, तो फिर परेशान क्यों हो रही है? होगा कहीं काम में? नहीं यार, वो आजकल बहुत झूठ बोल रहा है और मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। राखी, राइट? जी, आप लोग? सीआईडी, तुमसे उस रात के बारे में पूछना था जब तुमने ट्रेन से वो बॉडी गिरती हुई देखी थी। देखिए, मैं ऑलरेडी पुलिस को सब कुछ बता चुकी हूँ, अब आप क्या पूछना चाहते हैं? जिस रात तुमने वो बॉडी गिरते हुए देखी थी, तुमने आसपास किसी को देखा था भटकते हुए या फिर आसपास नजर रखते हुए? What? मतलब? मतलब जो आदमी ट्रेन से गिरा था उसके पास एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी जो उससे छीन ली गई। हम उन चोरों को ढूंढ रहे हैं। आप जरा फिर से सोचने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने जो कुछ मुझे पता था मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आप लोग मुझे और परेशान ना करें। देखो राखी, प्लीज याद करने की कोशिश करो, इट्स इम्पोर्टेंट। उस रात मेरे और विश्वास के बीच में बहस हो रही थी तो अचानक हमें किसी की चीख सुनाई दी। हमने देखा कि ट्रेन से एक आदमी नीचे गिर गया। हम भाग के उसके पास गए तो हमने देखा वो मर चुका था, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, ये विश्वास कहाँ पे रहता है? आप हमें ले जाएंगे उसके पास? उससे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट वो पुलिस के आने से पहले उस रात से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। घर कहाँ है उसका? विश्वास कहाँ है? राखी, विश्वास कहाँ है? अरे मैं तुम सबको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता विश्वास कहाँ है, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। तो विश्वास गया किधर? भाग गया। सर, विश्वास का फोन उसी रात से बंद है। इन दोनों को जिस दिन मनीष की बॉडी मिली थी उसके 3 घंटे बाद से। इसका मतलब ये सब विशु ने किया है सर, पर ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम कब से जानते हो विश्वास को? क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? सर, मेरी और विश्व की शादी होने वाली थी, लेकिन 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 क्या सर? लेकिन कुछ दिनों से विश्व बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैं उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। सर, मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैंने उस रात उसका पीछा किया। और तुमने उसे रेलवे ट्रैक के पास खड़ा देखा? जी सर, मुझे लगा कि वो किसी लड़की से मिलने आया है, पर उसने कहा कि वो किसी लड़की से मिलने नहीं, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करने आया है, और उसी टाइम ट्रेन से वो बॉडी गिर गई। फिर क्या किया तुम लोगों ने? सर, विश्व ने मुझे पुलिस को फोन लगाने के लिए कहा, तो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं पुलिस को बुलाने के चली गई, पर मैं वापस आई तो वो वहां था ही नहीं सर, पता नहीं कहां चला गया था। हमें पता है, वो पटरी पे खड़े रहने वाला चोर विश्वासी है सर। हाँ, भाग गया तुम्हारा विशु, छुप गया कहीं जाकर, क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया था, इसलिए। फ्रेडी, इस विशु के फोन का आखिरी लोकेशन क्या है पता लगाओ। यस सर। और राखी? जी सर। जा सकती हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर विश्वास ने तुम्हें कांटेक्ट किया या कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो हमें तुरंत बता देना, समझे? जी सर। जन गोरा। सर, हमें पैंट्री वाले किंशुक और हेमंत को इंट्रोगेट करना चाहिए। नहीं पूर्वी, अगर हेमंत और किंशुक को हमने पकड़ लिया तो विश्वास को पता चल जाएगा और विश्वास निकल जाएगा हमारे हाथ से। वैसे तो हमें पता चल ही गया है जो किस तरह से चोरी करते हैं, एक अंगड़ियों से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, और ये किंशुक जो अंगड़ियों को डाइयूरेटिक का डोज देता है। और तीसरा, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं बाहर होती है,
भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ये सब करना जरूरी नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन हीरो की डिलीवरी कल तक किसी भी हालत में करनी है। हाँ तो आंगड़िए है ना, आप खुद क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? अरे क्योंकि कोई आंगड़िया रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे खुद जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो? हाँ, आप फ्लाइट से क्यों नहीं चले जाते? फ्लाइट में डायमंड डिक्लेयर करने पड़ते हैं क्योंकि ये इलीगल है, क्या भूल गए तुम? हाँ लेकिन, और ये मत कहना कि रोड से चले जाओ क्योंकि उसमें तो सबसे ज्यादा खतरा है। और भाई साहब ट्रेन में भी कौन सा सेफ है? आपकी जान को खतरा तो वहां भी है। अरे वो मैं जानता हूँ, लेकिन ट्रेन नुज बेस्ट ऑप्शन छे। हाल ही में सीआईडी ने एक चोर को मार गिराया है और दूसरा बाल बाल बच गया। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी दोबारा वो लोग अटैक नहीं करेंगे। तो फिर आप सीधे सीधे सीआईडी को क्यों नहीं बता देते और वो लोग पकड़ लेंगे उसे? नहीं, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। मैं सीआईडी को इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि वो लोग मुझे ये रिस्क लेने नहीं देंगे। और मैंने सोच लिया है, मैं खुद जाऊंगा, दैट्स फाइनल। लाइव बन गई तेरी तक इंशु। नहीं होगा तुम्हें, सब मामला सेट है। सब बड़ा पाव खाएगा सब। अरे नहीं है, जाओ यहाँ से। हट। सब। अरे क्या पैसे मांग रही है? हाँ कुछ काम धंधा कर, जा यहाँ से, निकल। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? सब। सब। क्या चाहिए? सब वड़ा पाव खाया सर। चलो जाओ। सब वड़ा पाव खाएगा ना। जाओ जाकर कुछ काम करो। सब दो ना सब। सब दो ना सब। एक वड़ा पाव खाएगी सब। सब। चल जाओ। सब दो ना सब। सब आप दो ना सब। नहीं। सब आप दो ना सब। बिल्कुल पैसे मत देना। उठो चलो इधर। जाओ जल्दी। सब। जाओ जाके कुछ काम करो। सब काम ही तो है साहब ये मेरा। 5 रुपए के लिए क्या कोई काम करता है क्या?
चाय 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 बोलो साहब चाय गरम चाय गरम चाय चाय बोलो साहब चाय गरम चाय चाय बोलो साहब अदरक वाला चाय गरम चाय चाय बोलो साहब चाय 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 गरम चाय चाय मैडम चाय 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 गरम चाय चाय मैडम गर्मा गर्म चाय चाय बोलो साहब गरम है क्या हाँ साहब गरम चाय कितनी की है 10 रुपए चाय 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 बोलो साहब गरम चाय अभी अभी किंगशिप मेरे आगे निकल गया है चाय बोलो साहब चाय 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 बोलो साहब चाय 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 सब कुछ तो ना साहब छुट्टा नहीं है छुट्टा छुट्टा देती ना मैं छुट्टा है मेरे पास अरे जाओ ना बाबा कितने में छुट्टे चाहिए अरे चलो जाओ यहाँ से दो ना साहब काय के लिए आते ट्रेन में पैसा नहीं है तो अरे सर पागल है क्या चाय 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 गरम चाय 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 क्या चाय पैसे बाद में काम कर अपना चल चाय देना एक चाय ना देती ना बाद में पैसा नहीं चाय 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 सब 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 एक चाय दो ना सब सब चलो निकलो सब एक चाय दो ना सब अरे जा बोला तेरे को चलो चाय 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 ठीक है तैयार रहना मारा गरम चाय मैडम चाय कितने पैसे हुए 10 रुपए आइए साहब चाय लेंगे नहीं अरे ले लो ठीक है दे दो एक मिनट पैसे पैसे खुले देना साहब मेरे पास 100 का छुट्टा नहीं है देखता हूँ एक मिनट आपके पास है नहीं मेरे पास तो सब 100 के नोट ही है चाय देता हूँ हाँ हाँ अच्छी चाय 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 मैडम चाय हाँ भाई चाय 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 दिल खुश चाय दिल खुश चाय
पूर्वी थी। रेडी, बाथरूम में कोई इंतजार करने के लिए गया है। अरे किंशुक भाई। जी साहब। आपके चाय में कुछ मजा नहीं आया। क्यों, चाय तो अच्छी है साहब। हाँ नहीं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने वो जो मोटे से चाचा बैठे ना, हाँ। वो कह रहे थे कि चाय में मजा नहीं, कुछ ऐसे लगता है कि चाय में कुछ मिलाया है, कुछ पता नहीं क्या। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं, लगता है मुझे भी, देखो जरा। नहीं कुछ भी नहीं है। अरे नहीं कह, चलो स्पीकर बताओ कुछ है क्या। देखो नहीं, मैं चाय नहीं पी सकता साहब, ड्यूटी पे चाय नहीं पी सकता। तो ड्यूटी पे शराब नहीं पी सकता आदमी, चाय तो पी सकता है। कुछ तो मिलाया था आपने, छुपा रहे हो। चाय में मजा लाने के लिए कुछ तो मिलाया होगा आपने, है ना? नहीं नहीं, कुछ तो मिलाया होगा, देखो जरा। ये क्या? अरे बताओ तो सही। ये ठीक बात नहीं है, देखिए ये अच्छी बात नहीं है। क्या है ये? ये मेरी दवाई है। तुम्हारी दवाई है? जी दवाई है। हाँ। तो चलो दवाई है तो पी लो। नहीं कैसे पी लो? नहीं नहीं, बोलो वो मैं मर जाऊंगा, मैं मेरा पेट भर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। वैसे भी मरोगे। देखो जल्दी बताओ किसके लिए काम करते हो? धक्का मार के फेंक दूंगा चलती गाड़ी से। बोल बोल, बताओ जल्दी। किसी के लिए काम नहीं करता। कौन है तुम्हारा साथी? कौन है साथी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, चल चल। हाँ सर, सर मैं और फ्रेडी सर वॉशरूम के बाहर, वो अंदर है। ओके सर। सर किंशुक ने सरेंडर कर दिया। टाइम फॉर स्टेप टू। कौन है? टिकट प्लीज, टिकट। दो मिनट रुको, आ रहा हूँ। देखो पहले टिकट दिखाना, बाद में तुमको जो करना करो। चलो आ रहा हूँ। अरे यार ये क्या तरीका है? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या तरीका है? ये क्या बदतमीजी है? मतलब आदमी चैन से वॉशरूम भी नहीं जा सकता। क्या कर रहे थे अंदर? सूर्यमणि का वेट कर रहा था। तुम्हारा आदमी पकड़ा जा चुका है, समझे? आज रात कोई चोरी नहीं होगी। मेरा आदमी चोरी? ए, बकवास बंद कर और सच सच बता, किसके लिए काम करता है तू? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता सर। मैं कोई चोर और नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ सर। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा यकीन कीजिए सर। जानते हो इसे? कौन है ये? जानते हो? यही पार्टनर है ना तुम्हारा? यही है ना? नहीं सर। ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। ये मेरा पार्टनर नहीं है सर। सर मैं सच बोलो सर, मैं इसको नहीं जानता सर। ये सूरमणि कौन है मुझे कुछ नहीं पता सर। चुप। तो बताइए कौन है? कौन है ये? सच कह रहा हूँ। फिर कौन है इन सबके पीछे? मुझे नहीं पता, मुझे तो एक प्राइवेट नंबर से एसएमएस आता था बस। एसएमएस आते थे प्राइवेट नंबर से? अगर ये वॉशरूम में सूर्यमणि का इंतजार नहीं कर रहा था तो फिर सूर्यमणि पर अटैक कौन करने वाला था? इन मौके पे प्लान बदल दिया हमको धोखा देने के लिए? माय गॉड। फ्रेडी फ्रेडी, इन दोनों पर ध्यान रखो, सूर्यमणि। अब तमंचे पे इसको करना। नहीं सर। चलिए 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 चलिए, हटिए हटिए। क्या हुआ यहाँ पर? हटो, हटिए प्लीज, आप जरा पीछे आइए। माय गॉड। सूर्यमणि सूर्यमणि, ये जिंदा है? ये पूरी एम्बुलेंस मंगा लो अगले स्टेशन पर। सूर्यमणि सूर्यमणि, क्या हुआ यहाँ? सर वो बगल वाले कंपार्टमेंट में कोई झगड़ा कर रहा था, हम सब तो वो देखने गए थे, अचानक से ऐसे आवाज आई, देखा कि अंकल बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, इनके गले में एक पाउच था। पाउच? कौन सा पाउच सर? एक काले रंग का पाउच था। नहीं सर, पाउच का नहीं पता हमें। पाउच गायब हो गया,
माय गॉड। अब आप ठीक तो हो? जी सर। क्या हुआ बताओ जरा? मैं बैठा था, अचानक मेरे बगल में आके कोई बैठ गया। सुई की चुभन सी महसूस हुई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है जो भी था उसने तुम्हें ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया, बेहोश कर दिया। अब ठीक है ना? हाँ जी, बट आई एम वेरी सॉरी, आपका प्लान फेल हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। गुड लक। अभिजीत, प्लान सक्सेसफुल? हाँ सर, पहुंच गए हैं, बस वेट कर रहे हैं। ग्रेट। ओके सर। या मुझे विशु ने यहाँ बुलाया था, उसने कहा था हेल्प चाहिए, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए शायद वो मुझे मारना चाहता था। वो हीरे का हीरे? सर, वो सुमित नाम का आदमी अभी हीरे लेके भागा है। सुमित, तुम लोग देखो जरा, इसको लेके जाओ। चलो। अब ये सुमित कहाँ से आ गया बीच में?
ये तो एकदम ठंडा है, आइस कोल्ड है ये। ओह नो, ये अभी नहीं, मेरा पहले मर चुका है। इसका मतलब ये सब ड्रामा था। ओह नो, उर्वी हीरे राखी के पास है, छोड़ना मत उसको। डायमंड्स मेरे हैं। नहीं, डायमंड तुम्हारे नहीं, सूर्यमणि के हैं। लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसमीटर था वो हमारा था। ट्रांसमीटर? तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम ही कर सकती हो? हा? इन हीरो में हमने ट्रांसमीटर रख दिया था जिसके जरिए हम तुम तक पहुंच गए। और ये सब क्यों किया तुमने? ये ना करती तो क्या करती? आप सब की तरह सरकारी नौकरी। बोर हो गई थी मैं अपनी नौकरी से, मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें पैसा भी हो और एक्साइटमेंट भी। इसीलिए मैंने अमित और किंचुक को अपने साथ मिलाया और सारा प्लान खुद सुपरवाइज किया। लेकिन तुमने विश्वास को क्यों मारा? अरे आप लोगों की बीमारी जो हो गई थी उसे हर बात पे सवाल पूछता था, हर बात पे सवाल पूछता था। परेशान हो गई थी मैं। उस दिन तो मेरा पीछा करते करते ट्रैक्स तक पहुंच गया। अरे वाह, और तुमने हमें बताया कि तुम उसका पीछा कर रही थी? हाँ, झूठ बोला था मैंने। उस बेवकूफ को लगता था कि शायद मैं किसी और को मिलती हूँ। हेलो, हाँ 10 मिनट। हाँ ठीक है, तो मैं ट्रैक्स के पास ही हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे पूछो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब शक कर रहे हो तुम मुझ पे? मैं शक नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ तुम यहाँ कर क्या रही हो इस टाइम पे। अब मैं तुमसे पूछ के हर जगह जाऊँ? मेरी बात का जवाब दो राखी। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार रात को बाहर निकलते देखा है। मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे विश्वास। राखी रो मत प्लीज। और तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की, तुम मुझ पे शक करते हो? राखी प्लीज चलो यार वापस, मुझे नहीं जाना कहीं। यार वापस चलो, छोड़ो मुझे। और तभी ट्रेन से मनीष की बॉडी गिरी। जी, मेरा आदमी मनीष की बॉडी के पास हीरा चुराने के लिए खड़ा ही था कि विश्वास ने उसे देख लिया, तो हमें विश्वास को किडनैप करना ही पड़ा। मैंने सोचा था कि काम खत्म हो जाएगा फिर बाद में उसे फिर तुमने पूरा शक विश्वास पे डाल दिया हमें गुमराह करने के लिए। हाँ, जो काम तुमने किया है उससे सरकारी नौकरी के लायक तो तुम रही नहीं, लेकिन सरकारी मेहमान तुम जरूर बनोगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।